करें, वो कंपैरिजन करें, वो जो भी है वो हमारा एक प्रोसीजर होता है। फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये मॉड्यूल्स है ना। अब हर मॉड्यूल का एक स्टैंडर्ड तरीकाकार है। अगर मैं एपी में जाता हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें, कोलैप्स एक्सपेंड ऑल, कोलैप्स ऑल। ये कोलैप्स ऑल में देखेंगे तो ये सब एक उसका वेंडर्स है, मास्टर डाटा जहाँ पे बनता है, परचेज ऑर्डर जहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, इनवाइसिस, पेमेंट्स, ब्रोकर रॉयल्टीज, इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट्स का एक प्रोसीजर है। एक इंक्वायरी होती है, एक रिपोर्ट होती है। इंक्वायरी में है कि आप ड्रिल डाउन कर सकते हो, फर्दर अंदर जा सकते हो। रिपोर्ट होती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल प्रिंट आउट टाइप की चीज़ है, सिर्फ वो फिजिकल प्रिंट दिया, उसके ड्रिल डाउन नहीं कर सकते। इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट दो चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें। फिर पीरियोडिक टास्क हैं, अगर एपी के, एआर के, वो है उसका सेटअप्स है, कन्फिगर कैसे करनी है चीज़ें। ये सेटअप्स में हर मॉड्यूल में, अगर मैं इसी को एआर में देखूँ तो एआर का भी कोलैप्स ऑल करूँगा तो ये सारे उसी तरह ही है। वर्क स्पेसिस सबसे पहले, फिर कस्टमर इनवाइसिस, ऑर्डर यानी कि जैसे उधर परचेज ऑर्डर है, इधर सेल्स ऑर्डर होगी, ऑर्डर्स में सेल्स ऑर्डर और ऑर्डर जो भी इसके अंदर सब कुछ, ऑल सेल्स ऑर्डर हर चीज़ इसमें नज़र आ रही होती है। मैं इनवाइसिस, पेमेंट्स, पीरियोडिक टास्क, इंक्वायरी रिपोर्ट, सेटअप, ये चार्जेस सेटअप और पेमेंट सेटअप, ये सारी इसकी सेटअप्स नीचे आ गए। हर मॉड्यूल जिसमें भी जाएंगे हम, एपी, एआर, जीएल, जो हमारा फोकस होगा एपी, एआर, जीएल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, वो मैं आपको मैं करवा रहूँगा। और कैसे इसमें प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग होगा, इसकी कुछ चीज़ें मैं, प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग, ठीक सही। ठीक है, ये चीज़ें भी हम इसके अंदर करेंगे। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से चीज़ें कुछ बताऊँगा, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें कुछ बता दूंगा, टैक्सेशन की चीज़ें सारी एक जैसे कवर कि मुझे करेंगे, पेरोल चाहिए सर जी। टैक्सेशन को कवर करेंगे, पेरोल को कवर करेंगे हम। जी सर। पेरोल आपने कहा है तो स्पेशली करेंगे, अदरवाइज पेरोल हम एक नहीं मतलब आप मैं कंफिगर करना, कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा कि अच्छा चलाना ठीक। कैसे है, क्या कुछ रिजल्ट आते हैं, किस तरीके से इसकी हाँ ठीक है। काउंटिंग। पेरोल जो है मैं अपनी कंपनी की मैं बनाता हूँ, मुझे इसलिए जो है पेरोल पे फोकस करना थोड़ा। तो इसी ये चीज़ें हम इसको कर रहे होंगे। बजटिंग रिलेटेड भी चीज़ें कुछ मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा कि बजटिंग कैसे काम करती है, कन्फिगर कैसे होती है, ठीक ठीक है है। सर। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट और तरफ कॉस्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये मेरा हल और तरफ निकल जाएगा। आप कंसोलिडेशन का आपको मैं आइडिया दे दूंगा कि ये सिस्टम बिल्कुल कैसे करना सही। है। अगर कॉस्ट की तरफ निकल गए तो वो मेरा हल है, आपका फील्ड नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। हाँ फिलहाल मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपसे सीख लूंगा उसका। वो फिर उस तरफ निकल जाती हैं चीज़ें, मास्टर प्लानिंग, बजटिंग की हम डिस्कस कर लेंगे, बेसिक बजटिंग किस तरह काम कर रहा है, कन्फिगर कैसे होगा, चलेगा कैसे। अच्छा वाह एक चीज़, एक मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया कि ये डायनामिक्स की शक्ल कैसी है, बिल्कुल ठीक हो गया। सही है अभी मैं इसका थोड़ा सा और आपको एक चीज़ दे दूँ, वर्क स्पेसिस। ये वर्क स्पेसिस हैं इनवाइस एंट्री वाली, वही वर्क स्पेसिस जो इधर नज़र आ रही हैं, ये आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगी। अगर जी आपको सर। एक दिखाऊँ, बैंक मैनेजमेंट है ना, तो कैश जी एंड बैंक मैनेजमेंट का मैं वर्क इधर जाता हूँ मॉड्यूल में, और ये है बैंक मैनेजमेंट इसका, ठीक है सर ये वर्क सही है। स्पेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है। मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलना सिखा दूँ। ये आ गई मेरे पास कैश एंड बैंक मैनेजमेंट की चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल मेरे को ओपन बैंक रिकॉन्सिलिएशन की एक ये टाइल आ रही है, ठीक है। वही सारा बैंक स्पेस जब वर्क स्पेस खोलते हैं ना, आपको नज़र आता है कि इसके एडवांसेस कितने हैं, इस बैंक में क्या है, इस बैंक अकाउंट में क्या कुछ पड़ा है, इसका करंट बैलेंस है, ब्रिज ट्रांजेक्शन, पेंडिंग बैलेंसेज, ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर, यहाँ पे ओपन बैंक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट है, अपडेट बजट, अपडेट करूँगा ना ये इसकी बिगिनिंग, इसको अपडेट कर देगा। अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने और मैं इसे कह रहा हूँ पर्सनलाइज कर दो। अब पर्सनलाइज में एक बात आ रही है, पिन टू डैशबोर्ड, ठीक इसको है। मैं क्लिक करके दो डैशबोर्ड पे आ पर्सनलाइज, गया सर। ठीक है, मैंने पिन कर दिया उसको, तो आप देखेंगे एक स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, ये रिफ्रेश हो रही है स्क्रीन दोबारा। फाइल जनरेट हो जाएगी उसकी। अब देखिए ज़रा, अभी जनरेट नहीं हो रही। ये बैंक मैनेजमेंट में मैंने ओपन बैंक रिकॉन्सिलिएशन को नीचे शो करवा लिया,
जैसे ही हाँ मेरी स्क्रीन ओपन होगी कि ये मुझे नजर आ जाएगा कि ये मेरी मैंने देखनी है, तो ये स्टार्ट में ही मुझे सही यहाँ सही सही ठीक से पर्सनलाइज कर लिया है। मैंने और यहाँ पे देखना शुरू कर दिया, मुझे यहाँ से चीजें नजर आ गई। ठीक है, तो ये इसको किसी भी वर्क स्पेस के अंदर मैं जाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट कस्टमर क्रेडिट एंड कलेक्शन की बात चल रही है ना, तो मैं इसका एक क्रेडिट एंड कलेक्शन की मॉड्यूल में गया हूँ, वर्क स्पेस पकड़ी है, कस्टमर क्रेडिट एंड कलेक्शन बोला मैं कहता हूँ इसके अंदर मुझे पर्टिकुलरली ये टास्क जो है मुझे हर टाइम स्क्रीन पे नज़र आएगा, जब मैं नज़र आऊँ तो मुझे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओपन केसेस हैं या कलेक्शन नोट पोस्टेड की बात करता हूँ, मैं राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज किया, पिन टू डैशबोर्ड किया, इसे रिफ्रेश किया, तो ये इसकी पर्सनलाइजेशन है या इसकी मूवमेंट है, जैसे आप इसको नेविगेट कर सकते हैं चीज़ों पर। ठीक है सर, सही है। देखिए कलेक्शन लेटर्स नॉट पोस्टेड की जो है ना ये मेरे पास यहाँ पे नज़र आ गई इसके नीचे, बिल्कुल सर, ठीक है। ये एक इसकी पर्सनलाइजेशन होगी, इसका नेविगेशन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे ना ये मेरा शो करता है मेरे पास कौन कौन सी एंटिटी है जो मैंने GLSA ही बनाई हुई है, कंटोसो है, ये सारी डेमो कंपनी है कुछ, ये GLSA मेरी अपनी कंपनी जो मैंने बनाई हुई है सही और ट्रेनिंग पर्पस, कुछ और भी ट्रेनिंग पर्पस के लिए हमने कंपनी है इसके अंदर खोली हुई है, तो हम भी इधर मैं एक बना दूंगा जिसको जी आप सर, एक जिसको आप ना कॉपी करोगे, एक नई मैं आपको दूंगा नया एनवायरनमेंट उसमें आप बनाओगे उसको, ठीक है सर, सही है। इसके अंदर मैं बना दूंगा, आप उसी को फॉलो करते हुए अपने पास दूसरी जो होगी ना उसके अंदर फॉलो होगी, या हम मूव कर रहे हैं एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के अंदर। ठीक ठीक है, है, सही है। फिर हमारे पास ये एक सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, इसके अंदर मैं कहता हूँ यूज़र ऑप्शन, अब यूज़र ऑप्शन है मेरे पास, मेरी प्रेफरेंस क्या है कि मुझे चाहिए स्टार्ट करूँ तो कंपनी कौन सी लॉगिन हो, मैं किस रीजन में खड़ा हूँ तो वो मुझे रीजन वाइज रीजन के हिसाब से उसकी लैंग्वेज ये सेटिंग में यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसका सेकंड है ऑप्शन मेरे पास अकाउंट, सही। अकाउंट के अंदर मुझे बता रहा है जी मेरा नाम क्या आ रहा है, यूज़र कौन सा चल रहा है, और एक और प्रेफरेंस के अंदर अगर मैं देखो दिखाऊँ आपको वर्क फ्लो है स्क्रीन चेंजिंग थोड़ा सा, इसमें एक और चीज़ आती है मैं इसका ना टाइल्स और उसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने अभी एक पर खोला जिसमें हमने इसको कस्टमाइज किया हुआ है, सही। अब हर यूज़र जो है ना इसको वो कलर चेंज नहीं कर सकता, नॉर्मल स्टैंडर्ड में जाके ना अपनी मर्जी से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ कि ये बाहर जो है ना ब्लू ना नज़र आए, मुझे पिंक नज़र आए या पर्पल नज़र आए, टाइल्स छोटी ना हो, बड़ी बड़ी टाइल्स ना हो, बड़ी नज़र सर, मैं 1 सेकंड दीजिए, 1 सेकंड। सलाम वालेकुम। अरे नहीं, कॉल नहीं किया था मैंने, वैसे थैंक यू के लिए वो किया था मैसेज। थैंक यू सलाम वालेकुम। ओके बिल, हाँ मुझे चाहिए। मैं जो है, मैं पहले वहाँ से कंफर्म करके फिर आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सलाम। हेलो हाँ जी हाँ जी, जी सर, सॉरी सर जी, बड़ा मेरा एक इम्पोर्टेंट इशू है यार, वो पाकिस्तान में फंसा हुआ। चले होती रहती चीज है इस तरह की ना। बस अल्लाह जी निकाल ले मुझे जो है उनसे। अच्छा एक चीज ये होगी चीज, दूसरा एक इसके अंदर आता है ये टास्क रिकॉर्डर, ये टास्क रिकॉर्डर ऐसा एक चीज है माइक्रोसॉफ्ट की जो कि हम एक मैंने अभी एक प्रोसीजर किया ना, जी ये प्रोसीजर को मैं उसे कहता हूँ रिकॉर्ड कर ले, जब वो रिकॉर्ड करता है ना मेरे हर स्टेप को लिख लेता है वो अपने पास, जिस तरह वो और नेक्स्ट टाइम मैक्रो, उसमें एक्स्ट्रा मैक्रो होता हाँ है। जस्ट लाइक मैक्रोस, ठीक है तो सर, फिर सही है। सेकंड टाइम एक मतलब एक नया बंदा आता है कहता मैं कहता हूँ टास्क रिकॉर्डिंग से जाके ना उसे प्ले कर लो मेरी रिकॉर्डिंग को, वो जाके वहां से प्ले करता है तो वो टास्क आपको बताता रहता है कि आपने इनवाइस जनरेट करनी है तो ये करें, अब ये इधर जाएं, अब इधर जाएं, अब इधर जाएं, अब इधर जाएं, वो फॉलो करते जाते हैं
वहाँ पे आपको एरो वहाँ पे लेके जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक टास्क रिकॉर्डिंग यहाँ से रन करता हूँ जो मैंने ओपन फ्रॉम पीसी बना के रखी हुई थी, बनाई तो मैंने बहुत सी हुई है, एक रन फॉर एग्जांपल ब्राउज रिकॉर्डिंग। अच्छा थोड़ा सा मसला करेगा क्योंकि मैं ब्राउजर से आया हूँ तो ये चलेगी नहीं। हाँ नहीं चलेगी। यस अगर मैं किसी और के सिस्टम पे जाता हूँ, ये मैं आप ये आप अपने पास नोट कर लें टास्क जी रिकॉर्डिंग का ना, मैं आपको एक डेमो परफॉर्म करके दिखाऊंगा जब मैं लाइव सिस्टम पे होगा ना। ये हमारा टेस्ट सिस्टम है, ठीक है सही टेस्ट एनवायरनमेंट में, तब तक मैं इसे परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक मैं सर्वर के अंदर ना हूँ। सही तो फिर मैं वहां से टास्क रिकॉर्डर रन भी कर सकता हूँ, गॉट इट या फिर अगर गॉट माइक्रोसॉफ्ट का लाइव एनवायरनमेंट है ना डायरेक्ट जी सर माइक्रोसॉफ्ट ठीक का, है तो उस एनवायरनमेंट के अंदर फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वहां से डायरेक्ट टास्क रिकॉर्डिंग जो भी करूँ डाउनलोड अपलोड करूंगा तो वो चल जाएगा वहां पे माइक्रोसॉफ्ट के जी लाइव एनवायरनमेंट। ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये हमारा अपने सर्वर के ऊपर तैयार किया हुआ है, तो वहां पे वहां से ये अलाउ नहीं करता कि हमें हाँ हाँ इधर से जाके वेब से मैं डाउनलोड या अपलोड कोई चीज़ें कर सकूँ, ठीक है सर सही हो गया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो एनवायरनमेंट होगा वो लाइव होगा, उसमें जो मर्जी करते पहले कोई इशू नहीं हमें। डॉट इट सर जी ओके ये हमारा एक सेशन हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जनरल लेजर में आ जाते हैं हम स्टार्टिंग विद दिस। अब मेरे पास एक ऑप्शन है फेवरेट का, मैंने ऊपर आपको दिखाई कि फेवरेट कैसे नज़र आती है, यहाँ पे देखेंगे ना ये फेवरेट नज़र आ रहा है मेरे फेवरेट जी सर जनरल वेंडर इनवॉइस सब लेजर जनरल एंट्री नॉट येट ट्रांसफर की, मैंने दो चीज़ें फेवरेट में रखी हैं। अब मॉड्यूल में जाएंगे, मैं कहता हूँ यार मुझे ट्रायल बैलेंस भी फेवरेट में चाहिए, यहाँ पे मैं स्टार को जाके क्लिक कर दूंगा। जब स्टार को क्लिक करूंगा तो ये फेवरेट में जाऊंगा तो ये ट्रायल बैलेंस भी मेरा इधर ही आ गया। ठीक है सही मैं ट्रायल बैलेंस फेवरेट्स में जाके ट्रायल बैलेंस को क्लिक करूंगा तो मेरा ट्रायल बैलेंस यहाँ से शो होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको गॉट नेट स्लो है मैं नेट चेंज कर लूँ, मेरा नेट तो रात दूसरे वाला लगा हुआ था, मैंने जोंग को ऑन किया है 4G को, इससे स्पीड अच्छी हो जाती है। आवाज़ आ रही है आपको? जी सर जी सर मैं यूज़र प्रेफरेंस में एक दो बताऊँ, ये ठीक दिखा रहा सब कुछ। ओके टास्क रिकॉर्डर ले टास्क रिकॉर्डिंग गाइड ओपन फ्रॉम पीसी, इसने ना चला दिया मुझे, शायद नेट की वजह से आगे नहीं चल रहा था क्योंकि मैंने ऐसे यहाँ से कभी यूज़ नहीं किया। ये शायद अपलोड हो जाए, कोई टास्क रिकॉर्डिंग अभी से चला के ट्रेनिंग एसपीसी टास्क रिकॉर्डिंग। एग्जांपल ये AXTR फाइल बनती है ऐड अ न्यू कस्टमर, ये उसने डाल दिया, मैं कहता हूँ ओपन गाइड, इसने मुझे स्टेप्स बता दिए, गो टू अकाउंट रिसीवेबल ऑल कस्टमर, मैं गया इसको स्टार्ट कर दिया मैंने, तो ये मुझे कहेगा गो टू अकाउंट रिसीवेबल ऑल कस्टमर, मैं मॉड्यूल में गया हूँ अकाउंट रिसीवेबल ऑल कस्टमर, ये नेक्स्ट स्टेप मुझे बताएगा, देखिएगा आप वो लेके जाता हुआ नजर आएगा। जैसे स्क्रीन अपेयर हुई से नज़र आ गई वो मुझे वहाँ पे ले गया। ठीक है सही मैं क्लिक किया न्यू तो वो मुझे ले जाएगा कि यहाँ पे कस्टमर अकाउंट टाइप अब वैल्यू मैं कहता हूँ जी 02525। ठीक है आपका बटन दबा दिया, ये कहता है जी नेम ऑफ द कस्टमर,
कहता है जी इसके अंदर ग्रुप, अब मुझे कहेगा जी ग्रुप सेलेक्ट करो, किस ग्रुप का कस्टमर है, ग्रुप फॉरन कस्टमर जो भी करना चाहें। फिर अब मुझे कहता है जी अब इसके अंदर ना कुछ कस्टमाइजेशन हुई है, नॉर्मली यहाँ पे सेव का बटन करके क्लोज कर देता है, ये जो सर्वर मेरे पास नजर आ रहा है इसके अंदर हमने कुछ कस्टमाइज किया है, हमने कहा जी ये मैंडेटरी फील्ड है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं होती। सेव का बटन दबाते हैं तो ये उसके बाद टर्न ऑफ पेमेंट करनी है तो करें, नहीं करनी ना करें, ये मुझे करने नहीं दे रहा। मैं कहूँगा और कुछ नहीं करने देगा, कहेगा जो वो कह रहा है वही करें जो मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको अनलॉक का बटन दबाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकता हूँ। EFT है, सेल टैक्स ग्रुप लगाना है, मैंडेटरी लगा दिया, ये कुछ चीज़ें मैंडेटरी हमने करवाई थी कस्टमाइजेशन है क्लाइंट के लिए, तो वो वहीं पे वो कहता जी दें जरूरी है। सही सही सही। अच्छा वैट के साथ भी आपका जो है क्या नाम है, वैट को भी सपोर्ट करेगा ना ये? ये देखें GST जो चल रहा, मेरा मैंने UK में इसको किया, UK में वैट है, बिल्कुल सही, तो उस UK में ये सपोर्ट कर रहा है मुझे। गॉट इट, ठीक है सर। UK से तो वैट उठाया आपने, सही। तो ये करने के बाद मैं इसको कहता हूँ ओके वन वेरीफाई, उसने उसे सेव कर लिया, उसने मान ली बात। इसमें हमारी एक और कस्टमाइजेशन है ABN की, वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल मैं डिटेल में जाता हूँ, पर्सनलाइज दिस, ठीक है, ऐड अ फील्ड, राइट क्लिक करके गया हूँ मैं ABN ये वाला एक, वो मुझे कह रहा है कि ये ज़रूर लिखें मुझे ये बनाना है, ये हमारी कस्टमाइजेशन है, नॉर्मली ये चीज़ नहीं होती। कस्टमर को हमारे रिक्वायर्ड थी कि भाई ये चीज़ें लाजमी डालेगा तब कस्टमर बनेगा, अदरवाइज कस्टमर नहीं बनना चाहिए। देखिए ये कस्टमर मास्टर डाटा एक कस्टमर का जनरेट हो गया, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो स्क्रीन में देख सकते हैं कि मास्टर डाटा जो मैंने डाला दिल चायरन को, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं डाली थी, जो कुछ डाला वो सारा कुछ इसके अंदर। एग्जाम्पल हमने इसको EFT डाला, यहाँ पे पेमेंट डिफॉल्ट टाइप डाली थी, वो उसने यहाँ पे लगा दी टर्म ऑफ पेमेंट, मेथड ऑफ पेमेंट लगाना चाहें, ये अपनी चीज़ें जो जो हमारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक मास्टर डाटा बनाने के लिए यहाँ से डाल सकते हैं। ये कस्टमर एक हमारा तैयार हो गया, एड्रेस वगैरह रहता है वो एक लादा सी बात है। लेकिन मैंने अभी किया था अदील चाहिदन को, मेरे पहले दो कस्टमर हैं, तीसरा मैंने बनाया अदील चाहिदन को का, टेलीफोन नंबर भी आ गया, ABN भी आ गया जो अभी मैंने ऐड की चीज़ें। तो ये एक मैंने जो बता दिया टास्क रिकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम आगे आने वाले किसको ट्रेनिंग देनी है तो टास्क रिकॉर्डिंग यूज़ करके ये काम कर लो। बिल्कुल सही, ये किसी भी नए बंदे को ट्रेनिंग के लिए आप वो बना सकते हैं उसके लिए। ये मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपने ये देखा, मैंने अभी खोला था सिस्टम, ये टास्क रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर देखेंगे AP की लदा बनी हुई है, रिसीवेबल, कैश बैंक, कॉन्फ़िगरेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट, फिक्सेस, टैक्सेशन, ये सब की मैंने रिकॉर्डिंग बना के रखी हुई है। उसके अंदर फर्दर है वेंडर मैनेजमेंट कैसे है, कैटलॉग मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, हर एक की मैंने टास्क रिकॉर्डिंग बनाई हुई है। उसके सिर्फ टास्क रिकॉर्डिंग ये नहीं है कि XTF फाइल में, वर्ड के मैनुअल भी बने हुए मेरे पास, ये सारे मेरे अपने हाथ से बने हुए सारा कुछ। अगर वर्ड मैनुअल देखते हैं तो वेंडर सेटअप फॉर एग्जाम्पल खोलते हैं तो वो आपको ये बताता क्या है, वेंडर क्रिएट करना है, गो टू AP वेंडर, ये पाथ है इसका, न्यू का क्रिएट करें, ये चीज़ें फील्ड फिट करते जाएं स्क्रीनों पे, हर स्क्रीन के साथ, हर स्टेप के साथ, एक एक स्क्रीन और एंड पे सेव करके क्लोज कर देगा, जो जो चीज़ें उसकी फिलअप करवानी है करवा के, फॉर 32 पेजेस का क्लिक सेव करें और ये क्लोज हो जाएगा। ये सारे हम एक बना के रखे हुए हैं, किसी को देने हैं चलें जी आप ही यूज़ करना चाहें ये लेने, तकरीबन 2 माह लगा के मैंने तैयार किए हैं इसको। सही सही।
हाँ इसके अंदर है ना एलसी मैनेजमेंट, सेटलमेंट, एलसी कैसे बनेगी, एलजी कैसे बनेगी, कैसे एलसी प्रोसेसिंग होगी, सारा कुछ इसके अंदर पूरे के पूरे सेटअप हमारे पास मौजूद है। सही सही सही। इस जस्ट मैंने टास्क रिकॉर्डिंग का एक फीचर आपको बताया जो माइक्रोसॉफ्ट का अवेलेबल फीचर है, नहीं, बड़ा जबरदस्त फीचर है जी, पहले मैंने और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसके अंदर मतलब इसी से मैंने टास्क रिकॉर्डिंग कर ली, ये रिकॉर्डिंग करने के बाद मतलब इसको अल्टरनेट चेंजेस कर ली, जब कोई मुझे लगा कि स्टेप गलत हो गया मैंने उसको चेंज करके दोबारा जनरेट करवा लिया। वो फर्द मतलब 50 स्टेप मैंने किए हुए हैं, 51 जो गलत हो गया, और 51 को मैं कहता हूँ नहीं इसको डिलीट कर दें, 51 की दोबारा कॉपी कर, गॉट तो दोबारा से उसको आगे 51 दोबारा बनाता है। इट। बिकॉज प्रीवियसली जो मैंने देखे थे वो आपकी वीडियोस ही होती थी, तो आपको वीडियोस देख के उसके बाद जाके सिस्टम में करने पड़ते थे, बट ये सिस्टम के अंदर ही है ये वाले जो हैं। हाँ ये इंटरेक्टिव सेशन है, मैं आप ये कॉपी करके आपको देता हूँ, आप किसी भी 365 में जाके इसको चलाएं चल जाएगा। सही, ठीक है सर, जबरदस्त। ये बड़ा अच्छा फीचर इसका जो है ना हमारे पास अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड पड़े हैं सेशन, तो ये उससे अच्छी चीज़ है कि मेरे पास सारा क्रिएटेड है। ये फीचर तो दे दिया लेकिन ये क्रिएट करके हर स्टेप को परफॉर्म करके बनाना, इसमें टाइम टेकिंग बहुत प्रोसीजर है। इसको तकरीबन इसको मैं 2 से 2.5 माह लगे हैं मुझे, मैंने पूरे सिस्टम के ना सेटअप बना के और इसकी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, उसके मैनुअल भी बन गए और रिकॉर्डेड स्टेप भी बन गए। मैनुअल देख के करना चाहें वो भी कर सकते हैं, टास्क रिकॉर्डिंग चला के करना चाहें वो भी कर सकते गॉट इट सर, ठीक हैं। हो गया सर। अच्छा जी ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी, अब आ जाते हैं हम जीएल की तरफ, जनरल लेजर मॉड्यूल से। अब जी सबसे पहला स्टेप होता है कोलैप्स सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, किसी भी चीज़ का सबसे पहला स्टेप है ना फाइनेंस का, हम देखते हैं सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, बिल्कुल सही है। क्या होगा फ्यूचर में। और ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्रायल बैलेंस को हमने डिफाइन कैसे करना है फॉर, क्योंकि हम इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। बिल्कुल गोइंग कंसर्न है तो गोइंग कंसर्न के सिर्फ इम्पैक्ट आप उसको देखते हो ना जब आप प्रेजेंट करें गोइंग कंसर्न को, कि हिस्ट्री फ्यूचर के लिए हम पूरा प्लान करते हैं कि ये अगर 100 साल चलेगी एंटिटी, सही 100 साल के लिए हमने ट्रायल बैलेंस चार्ट ऑफ अकाउंट को प्लान सेटअप करना कर, होगा। बिल्कुल सही है। अगर 100 साल के लिए प्लान नहीं करेंगे ना तो फिर होता क्या, नॉर्मली चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर वो मैथ क्रिएट हो जाता है, बड़ा बड़ा मेस मैंने देखा है। और मैंने बड़ा बड़ा जाके जिस भी मैं इंस्टीट्यूशन में मैंने जॉब की है जाके ना, वहाँ पे जाके मैंने जाके इतना मेस को पहले चार्ट ऑफ अकाउंट को सीधा किया हमेशा। नहीं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या इश्यूज क्या आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में? चार्ट ऑफ अकाउंट अगर कोई सेंसिबल बंदा है जिसने बनाया है वो तो अच्छा चल चल जाएगा, लेकिन जो बंदे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसने पकड़ा फॉर एग्जांपल उसने कहा जी सबसे पहले आ गया जी कैपिटल, फिर आ गया जी एसेट्स, फिर आ गया जी लाइबिलिटीज, ने पकड़ा फिर इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैं इनकम नहीं लिख रहा मैं एक्सपेंस लिख रहा हूँ, उसके सही, जहन में आया जो उसके जहन में पहले आएगा वो फिर एक्स इनकम, वो उसी तरह डिजाइन कर देगा ऊपर नीचे। ठीक है, सही है। जो भी उसने जेन में रखा उसने उसको डिजाइन कर दिया ऐसे ही पकड़ा, उसे कहा जी मैं ठीक है इसको दे देता हूँ जी ये सीरीज चला देता हूँ, ठीक है इसको ठीक ये सीरीज चला देता हूँ। अगर उसको ये भी पता चला हमने एक मास्क रखना है, इसके नंबर सी मतलब 6 डिजिट है तो 6 ही रहने चाहिए, या 5 है तो 5 रहे, चलो फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल इसको ये समझ आती है कि मुझे ये पता है इतना तो सेंसिबल होगा, बिल्कुल वो ये लगा देता है फॉर एग्जाम्पल। अब जब हम इसकी रिपोर्टिंग करने जाएंगे ना तो अब IFRS रिक्वायर्ड क्या करता है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, IFRS तो सबसे पहले जो है आपकी लाइबिलिटीज, नहीं लाइबिलिटीज फिर कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके आने चाहिए सबसे पहले, फिर शॉर्ट टर्म मतलब एसेट्स आने चाहिए। एसेट्स मतलब पहले सबसे एसेट पकड़ता है वो। हाँ नहीं, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो इसमें किया हुआ है ना, ये सऊदीया में भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट था, वो गैप था, और गैप में जो है सबसे पहले आपके करंट एसेट्स थे, फिर
फिर आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स थे, बट IFRS में जो है पहले आपके लॉन्ग टर्म आते हैं, फिर आपके शॉर्ट टर्म आते हैं, उसके बाद आपका जो है लाइबिलिटीज आती हैं वो भी लॉन्ग टर्म और नीचे शॉर्ट टर्म, देन आपका कैपिटल आता है, फिर आपकी इनकम्स आती हैं, फिर एक्सपेंसेस आता तो है, फिर ये आपके जो है ना जो अदर कम्प्रीहेंसिव ये इनकम के अकाउंट। बिल्कुल आ गया, तो यही चीज कॉन्सेप्ट को देखे ना, चार्ट ऑफ अकाउंट को हमेशा डिजाइन करना चाहिए गॉट इट कि सर जी। हमने ठीक है सर, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है। कोई बंदा सऊदीया में अगर इस तरह की कोई चवल मारता है तो मुझे समझ आती है, पाकिस्तान में लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और वहां भी इस तरह के इश्यूज आते हैं। चवल तो हर जगह होते हैं ना भाई, आपने कोई नहीं सऊदीया में मुझे मसला, सऊदीया में मसला ये मिस्री मुस्री अकाउंटेंट्स होते हैं वो माँ बाई नहीं कर देते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। सही अब मेरा हाल काफी सेंस आ गई भी है लोगों में, क्योंकि लेकिन अडॉप्ट इश्यूज पहले होते की हैं। निस्बत में अब काफी सेंस आ गई भी है, काफी बंदों ने अच्छा मार्केट, गूगल है ना गूगल, बिल्कुल ऐसे ही है, वो सही कहते कहा हैं सजेस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट, तो सजेशन मिलता है तो उसको फॉलो कर लेते हैं, बिल्कुल गॉट इट सही है। तो वो उसी पैटर्न को हमने इसी को फॉलो किया, डिजिट को फॉलो किया, अब इसी को अगर आप कहते हैं एसेट का तो एसेट ये चल गया, तो जब आप बनाएंगे तो वेरी गुड हो जाएगा हमारे लिए कि गॉट इट हम सर, रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे चल रहा है, इसको पांच, इसको चार, इसको पांच रखेंगे उसको चार रखेंगे, बिल्कुल तो ठीक है सर। ये चीज़ें हमारी एक, अगर आपको अच्छी ग्रिप है इसके अंदर तो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे एक जो स्टैंडराइज चार्ट ऑफ अकाउंट है मुझे एक वो काइंडली भेज दीजिए, एक मेरे पास भी पड़ा हुआ जो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे ना, मेरी पुरानी कंपनी में बना हुआ था और कमाल है बस, वो मैं आपको भेज वो शेयर मैं कर देता हूँ आपसे। ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट करके, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेन अकाउंट, ये माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एक स्टैंडर्ड इन्होंने एक बनाया हुआ है, वो भी उसी पैटर्न पे चल रहा है A2, लेकिन कैश लिक्विड कैश को पहले ले आता है, ये असल में वो गैप के ऊपर बेस कर रहा होता है ना, ठीक है, लिक्विड कैश ले आता है, उसके बाद फिर उसी तरह आगे चल शॉर्ट पड़ेंगी टर्म चीज़। लॉन्ग टर्म आता है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड पे आपकी ओनर्स इक्विटी आती है, देन आपके इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट आते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल, उस तरह डिजाइन होगा। ये उसी पैटर्न को लेके ना चल रहा है, हाँ ये गैप को लेके चल रहा है। और इसके अंदर हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट अगर देखें ना, मल्टीपल ब्राज़ील का है, चाइनीज है, फ्रेंच है, अच्छा अच्छा सही 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 इसके अंदर हर स्टैंडर्ड हमारे पास, इंडियन सिस्टम चल, जापानीज, मलेशियन, मैक्सिकन, रशियन, सऊदी अरेबिया, डेफिनेटली इन्हें हर एक का एक पैटर्न दे दिया कि यार इसका चार्ट ऑफ अकाउंट इस पैटर्न का है, हाँ ये दोनों भी ने लिख पहले ये भी वो गैप को ही लेके चलते हैं। तो इसको एक स्टैंडर्ड उसने बना दिया। थाई का अगर रिक्वायरमेंट है तो मैक्सिकन रिक्वायरमेंट है, ये मैक्सिकन मैक्सिको की इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट है वो उसको लेके चल पड़ते हैं, सही सर सही है। ये इसका तरीका कार है इनके अंदर, जापानीज का और जिसका भी है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड दे दिया हुआ है कि इसको लेके चलें जिसकी रिक्वायरमेंट है, फ्रेंच की तो स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है ना, वो तो चेंज कर ही नहीं सकते, फ्रेंच की मैं समझा नहीं हूँ फ्रेंच जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ना वो हर जी सर। कंपनी का एक ही होता है, हाँ ठीक सही 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 गॉट वो स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है उनकी, इट सर जी। हाँ उसको नहीं चेंज कर सकते कि आपका कैपिटल 101 ही है, ठीक है सर सही है। प्रेमेसी डिफ्यूजन जो भी इसकी ये चीज़ें हैं ना उसके से उसको नहीं चेंज कर सकते, गॉट इट सर जी ये वहाँ की एक एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। अच्छा गॉट जी, इट। अब हम आ जाते हैं अपने मेन, सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट डिस्कस हो रहा है, आप देखेंगे मैंने कर दिया वर्क स्पेसिस हैं GL की, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, करेंसीज, कैलेंडर, अब कैलेंडर फिर आता है हमारी बात आती है कैलेंडर, जी एक आता है फिजिकल कैलेंडर जिसे फाइनेंशियल कैलेंडर भी कहते हैं, एक है लेजर कैलेंडर, ठीक है, ठीक है इसको हमने फिर कंपनी का देखना, सेकंड चार्ट ऑफ अकाउंट पे अच्छी ग्रिप है आपकी, कोई इशू नहीं है, फिर हम इसको आगे आगे लेके चलते हैं। जी अब सर चार्ट ऑफ अकाउंट किसी कंपनी का हमने बनाया है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक बात चल रही है माइक्रोसॉफ्ट की हमारे साथ, हमने एक बात अभी की है तो हम इसको आगे थोड़ा सा और कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या फंक्शनैलिटी है, ये आप विंडो देख रहे हैं ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जी एक सर आइकन, इसको क्लिक करते हैं ना यहाँ पे दो किस्म की चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल और ये ओपन इन एक्सेल,
ये मैं आपको ना किसी से ये आप नोट कर लें, वो वाला इशू मेरा कंप्लीट हो गया जो हमने टास्क रिकॉर्डिंग का था, ये नोट कर लें। मैंने आपको दिखाना है कि हम एक्सेल से अपलोड, ये इंटरेक्टिव है, डेटा कैसे करते हैं डेटा ऊपर नीचे इंटरेक्टिव का नीचे मतलब, ऊपर डेटा सॉरी अपलोड करें, इधर से ही ठीक है अपलोड हो जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा, चेंज जो ठीक भी करेंगे एक्सेल में अपलोड मतलब उसे पब्लिश कर दें तो वो इधर पब्लिश हो जाएगा, इधर नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सही कुछ चेंज कर देंगे मैनुअली, वो एक्सेल में जब डाउनलोड होगा उसे रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। गॉट इट सर। ये टू वे इसके अंदर चलता है, ठीक है, ये एक्सेल के साथ ही चल रहा है टू वे। ठीक है सर सही है। अच्छा, ये सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ ही नहीं है, ये हमारा अगर फॉर एग्जांपल मैं जनरल एंट्रीज में जाता हूँ ना जनरल, तो ये इसका भी टू वे है। मैं इसको फॉर एग्जांपल कहता हूँ ऑल निकाल लूँ, तो ये मेरे पास जनरल एंट्रीज इसकी आ रही है। मैं फॉर एग्जांपल एक नई जनरल एंट्री क्रिएट करता हूँ तो ये वहाँ पे भी ये टू वे होगा। मैं आपको इसको एक सेशन में दिखाना है मुझे एक्सेल में एक्सेल में, मैं इसको खोल लेता हूँ, वाउचर बनाया मैंने उसको खोल लिया, तो ये मैं ओपन इन एक्सेल भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट इधर से भी अपनी एंट्रियाँ कर सकता हूँ, ठीक सर यहाँ से जीएल सेलेक्ट किया और एंट्री करना शुरू कर दी डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है, देखिए मैं इधर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सीएडी अकाउंट है, इसके साथ मैं ये फाइनेंशियल डायमेंशन एक बनाइए बिजनेस यूनिट, मैं होम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड फाइनेंशियल डायमेंशन मेरे डिपार्टमेंट चल रहा है, मैं कहता हूँ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, सर्विस लाइन की बात करता हूँ कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विस लाइन मैंने यूज़ कर ली, ये मैंने फाइनेंशियल डायमेंशन एक उसको दे दी, इसके अंदर एंट्री की बात कर ली मैंने उसके साथ। अब इसके साथ दो चीज़ें हैं, मैं इसको डेबिट यहाँ पे करूँ क्रेडिट दूसरी लाइन में करूँ, या सही फिर डेबिट यहाँ पे मैंने करवा दिया 200 और क्रेडिट में ऑफसेट अकाउंट दे दूँ, इधर ये आपने जनरल वाउचर खोला हुआ है इसका ये जनरल वाउचर खोला, मैं दोबारा आपको दिखा दूंगा, मैं बस एक गार्डन सर फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी होती है ना, डेबिट कर दिया और क्रेडिट में इधर से जाके बिल्कुल ऑफसेट अकाउंट में दे दिया, तो उसके साथ सारी डायमेंशन उसने ऑफसेट की खुद ही उठा ली। नहीं ऑफसेट अकाउंट मीन मैं समझा नहीं हूँ आप डायरेक्टली क्रेडिट अब जो है इसी ये के नीचे डेबिट किया, जब जी ऑफसेट मतलब क्रेडिट साइड इधर पोस्ट होगी, अच्छा अच्छा नहीं उसमें वो वाली होती सेकंड लाइन में आप क्रेडिट साइड पे जाके जो सेकंड लाइन में आप क्रेडिट साइड पोस्ट कर रहे हैं सेकंड लाइन पे भी कर सकते हैं, अच्छा क्रेडिट डेबिट इधर कर दिया सेकंड दूसरी लाइन पे कर दिया, सही है ठीक है, या फिर इधर कर दिया, इधर करने से ये होगा कि आपका वाउचर जो है ना बैलेंस ही रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि गॉट इट हर डेबिट का क्रेडिट इंपैक्ट आपको सामने ही मिल रहा है, सही अगर ठीक ऊपर है से नीचे अगर आपके पास 100 लाइनों का आपने वाउचर डालना है, हाँ सही ठीक होता है ना सौ है लाइन अब 100 लाइनों बिल्कुल के अंदर हाँ आपको देखना पड़ेगा यार डेबिट तो हो गया 3 लाख रुपया, क्रेडिट साइड पे 2,95,000 है, 5,000 कौन सा रह गया, अच्छा 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 बिल्कुल लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे आप इसमें करेंगे सही अच्छा सेकंड इधर ही दिखा देंगे, ये नहीं कि वो सेकंड लाइन में आप खाली उसको जो है ऑफसेट अकाउंट दे रहे हैं आप फिगर नहीं डाल रहे फिगर ऑटोमेटिकली निकाल लेगा हाँ वो उसी का क्रेडिट डाल दिया उसने, गॉट इट सर जी सेकंड इफेक्ट खुद ही उठा कर डाल देगा, गॉट इट सर जी तो ये एक इसका मतलब जब भी जीएल है या जनरल बनाना है एपी बनाना है उसमें यही प्रोसीजर होता है, जनरल बनाते हैं ऐसे एक खोला, जी सर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, जैसे आपका एक्सेल कोई और भी विंडो होती है ना बिल्कुल सर वेब बेस, वो इसका भी वही प्रोसीजर चलता है, अभी हम जीएल मॉड्यूल पे ही खड़े हैं जीएल पे, मैंने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट की डिस्कशन आपसे कर ली। अच्छा, जी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर होता है मेन अकाउंट कैटेगरी, ये आपके नॉलेज में क्या होती है कैटेगरी? सर वही आपकी एसेट्स और जो है आपकी लाइबिलिटीज यही होंगी उसकी फर्दर डिटेल की बात कर लेते हैं ना, जी सर ये मैं दोबारा कंपनी में हमने ये चेंज क्या है किया, अकाउंट कैटेगरी हाँ मेन अकाउंट कैटेगरी,
इसके अंदर देखना कैश है, एआर है, इन्वेंट्री। मेन अकाउंट ऊपर होते हैं, इसके नीचे फिर कैश के, अब बैंक किस किस बैंक में आपके कैश पड़ा हुआ है, ये सारी इसके नीचे ना आएंगी। ना वो नहीं, हम एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं, टैक्स कैटेगरी है, डिविडेंड पेएबल की कैटेगरी है, अदर करंट लाइबिलिटीज, जो आप कह रहे हैं ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डेब्ट, कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक बेसिकली कैपिटल को कह रहे हैं, सेल्स वाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम देख के चलते हैं कि यार ये इस ये कैटेगरीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन कैटेगरीज को अगर फॉर एग्जांपल चार्ट ऑफ अकाउंट आपके पास है ना, ये कैटेगरीज आपने तीन जगह पे लगा दी, गॉट एक जीएल अकाउंट पे भी एक कैटेगरी, दूसरे पे तीसरे पे, मैं रिपोर्टिंग में जाता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, उसको डिज़ाइन ही कैटेगरीज के साथ करते हैं हम लोग, इट सर ऐसे जी। ही अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है, ही, वो तो इसी करंट कैटेगरी लाइबिलिटी इधर चलेगी, प्री एकम्ब्रेंस इस बिल्कुल जगह पे आ गई, उसके अंदर जितने भी इसके साथ जीएल अकाउंट होंगे उसको सम करके वहां पे ले आएगा, बिल्कुल गॉट इट, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब जितने बेहतर अंदाज में हम इसको मेन कैटेगरीज, मेन अकाउंट कैटेगरीज को यूज़ करेंगे जीएल के साथ, फॉर एग्जांपल मैं अपने मेन अकाउंट में जाता हूँ दोबारा से, सही ये मेरा मेन अकाउंट है, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया कैश है, यहाँ पे चलेंगे तो मैं इसको, ये सारे कैश की चल रही है तो सारे क्लब होके कैश में आए, ये एआर में आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, जब हम रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो डेफिनेटली मुझे वो बताएगा हाँ जी ठीक हो गया जी, मैं रिपोर्ट है तो एआर के सारी फिगर्स मैंने यहाँ पे क्लब करके डालनी है, मैं उससे कैटेगरी दूंगा ना एक ही, बिल्कुल गॉट इट सर जी। अदर रिसीवेबल है ये भी एआर की, नॉट रिसीवेबल, सारी मेरी नॉट रिसीवेबल की अगर सेपरेट कैटेगरी तो उसमें चला जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। ये सारी उसी चीज़ को, जीएसटी की बात कर रहा हूँ तो अदर करंट लेवल एसेट्स में चला जाएगा, गॉट ये इट सर सारे जी, जहाँ जहाँ पे कैटेगरी अटैच की वहाँ पे वो क्लब कर लेगा, गॉट इट सर जी। ये एक स्टैंडर्ड उसको मतलब फॉलो करने का अच्छा तरीका होता है, कि ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट रिपोर्टर में, मैनेजमेंट रिपोर्टर जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कुछ भी बनाना है, इन कैटेगरीज को अटैच करके वहाँ पे हम लाइनें बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, रोज बना के अटैच करा के पीरियोडिक वो खुद ही उठाता रहता है जैसे रन करते हैं, तो हमें रिपोर्टिंग वो जनरेट करके स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग दे देता है जो हमारी कैटेगरीज के थ्रू चल रही होती हैं, जी सर, जी ठीक हो गया, सर, ओके। अच्छा मेन अकाउंट कैटेगरी की बात होगी, मेन अकाउंट टेम्पलेट जैसे जो वही चीज़ें हैं कि एक टेम्पलेट बना के रख लिया तो उसे कॉपी करना आसान हो जाता है, अकाउंट्स बिल्कुल एलिया, अकाउंट एलियास ये यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक दिखा देता हूँ आपको, शॉर्ट नेम इसे कह लें आप, मैं इसे कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग बी एस है, बी एफ है, अब मैं एलियास देता हूँ कि समटाइम को कहते हैं लोग कि यार मुझे, अब नाम तो यही रहे लेकिन हमारे पास तो पुराने नाम ये चल रहे थे इन जी एल्स के, सही। नया नाम तो ठीक है, तो फिर हम उसको पुराना नाम भी उसका यहाँ पे एलियास में डिफाइन कर देते हैं या शॉर्ट नेम रख देते हैं, बिल्कुल गॉट इट सर जी, ये बिल्कुल 2-3 सॉफ्टवेयर मैंने ये देखी है, ये पैरेलल दो दोनों चीज़ें पड़ी रहती हैं फिर हमारे पास, पैरेलल पड़ी रहती है। हम यहाँ पे करते हैं इंग्लिश अकाउंट और अरबी अकाउंट रखते हैं साथ में। सही हो गया, तो वो उससे फिर हमें चीज़ें, अरबी तो इसमें ट्रांसलेशन का सिस्टम तो इसमें ऑलरेडी है, गॉट लेकिन सही अगर एलियास यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा के टू वे दो दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं कि यार इसका अरबी में नाम ये चलता है हमारा, आप भी अरबी ढूंढ लें बिल्कुल सही है, तो वो वहाँ से भी ढूंढ के ले आता है, गॉट इट सर जी। तो ये ठीक अभी हो गया। आपके आपके जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसकी सेटिंग आप बता रहे हैं जीएल में। हाँ जीएल में चार्ट ऑफ अकाउंट का एक जो फर्स्ट चीज़ सबसे पहली चीज़ होती है, कुछ चीज़ें आपको पता थी उसमें मैं मतलब फास्ट फॉरवर्ड निकल गया, मतलब ठीक है, सही है। एक्सेल में वो आपको डिफाइन करना नहीं बताया उसके सेटअप्स को, स्टेप सही है, क्या है उसका, वो आपको पता है तो उसका इस्तेमाल मतलब फिर हम उसको मूव करके, जो बिल्कुल सही, चीज़ें मेरे ख्याल से आपको नहीं पता होंगी फिर मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। गॉट इट सर जी। अच्छा जी बैलेंस कंट्रोल अकाउंट की अगर तीन चार को हमने बनाया तो मैं आगे चलता हूँ डायमेंशंस के ऊपर, अच्छा सर, ये ये है जो आपकी फाइनेंशियल। स्क्रीन आ रही है सर, 1 सेकंड सर, ये बड़ी फुल स्क्रीन हो जाती है, क्योंकि मेरे पास बड़ी छोटी सी स्क्रीन आ रही है। अब इसके ऊपर आप ऑप्शन में जाके ना फोकस का बटन है, 1 सेकंड, इसकी ऑप्शन, वो जो 3 नोड बने हुए तीन हैं,
और ऑप्शन में जाके फोकस का बटन है, या ये फोकस का बटन हो। ठीक है सर, हाँ गॉट इट सर जी, क्योंकि वो बड़े छोटे छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ठीक है, हाँ अभी बताओ हुआ है। मैं बताओ तो सही, हमारे पास और भी तो ऑप्शन होते हैं ना, हम इसको और प्लस कर लेते हैं, और बड़ा काफी है। ठीक है जबरदस्त है। अब मैं डायमेंशन के ऊपर आ रहा हूँ ना, ये फाइनेंशियल डायमेंशन, फाइनेंशियल डायमेंशन मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, आपको ज़रा विजिबल अच्छा हो जाएगा। छोटे होता है कि स्क्रीन पूरी मिल जाती है हमें देखने के लिए। नजर आ जाती है स्क्रीन पर, अब देखिए बट ठीक है फाइनेंशियल सही में डायमेंशन, सर। ये डायमेंशन फाइनेंशियल डायमेंशन है, उसका सेट है फाइनेंशियल डायमेंशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंटीग्रेशन एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है ना इसको, तो मैं जी उसके सर, अंदर डायमेंशन कौन कौन से शो करवाना चाह रहा हूँ, उसका सेट कौन सा, वो मैं इधर से करता हूँ बेसिकली। फाइनेंशियल डायमेंशन पहली चीज़, ये मेरा एग्रीमेंट हो गया। अभी आप, मैं उसे कहता हूँ बिजनेस यूनिट, अभी मैं जो आपको दिखा रहा था उसको मैंने सेलेक्ट किया, गॉट इट। ये बिजनेस यूनिट की डायमेंशन है एक। इसकी मैं डायमेंशन वैल्यूज देखता हूँ तो ये मुझे बताता है कि इसके अंदर क्या क्या है। जी होम है, ऑटो है, मैंने होम सेलेक्ट किया था ना जी आपके सामने। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, आईटी कंसल्टेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सपोर्टिंग है, ये सारी चीज़ें उसकी हमने फाइनेंशियल डायमेंशन बिजनेस यूनिट बना लिया। फिर एक और बात करता हूँ इसके साथ, नीचे चलते हैं, सेंटर है या कॉस्ट सेंटर कह लें, ये नीचे कॉस्ट सेंटर है, तो इसकी डायमेंशन वैल्यूज मैं सेलेक्ट करते देखता हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। मैं इसकी न्यू क्रिएट करके एक्टिवेट करा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, वो मतलब टेक्निकल बंदा इन्वॉल्व करके न्यू क्रिएट करनी होती है, स्टार्ट खुद डायरेक्टली नहीं करती, मतलब कर लेता है फंक्शनल भी कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल को क्या जाता है, इसको मेंटेनेंस मोड के अंदर लेके जाओ, वो मेंटेनेंस सही मोड में जाता है तो फिर हम इसके अंदर ये काम कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ये सही होगी सही एक डायमेंशन की बात, फाइनेंशियल डायमेंशन होगी उसका सेट, कॉन्फ़िगरेशन बता दी मैंने आपको। फिर फाइनेंशियल डायमेंशन सेट क्या होता है, सेट बेसिकली हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि मेरा एक सेटअप बना है ना, मेन अकाउंट, फिर डिपार्टमेंट, फिर कॉस्ट सेंटर हो, ये एक सेट बन जाए। ठीक है मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायल बैलेंस निकालना चाह रहा हूँ, सही। मैं आपको लेके जाता हूँ इधर ट्रायल बैलेंस में, यहीं से ये इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट्स में अभी आया हूँ, यहाँ से ट्रायल बैलेंस। तो मैं कहता हूँ जी मेरा मेन अकाउंट का सिर्फ ट्रायल बैलेंस दे दे, या मुझे दे दे जी मेन अकाउंट प्लस कॉस्ट सेंटर का दे दे, तो वो अगर एक मेन अकाउंट है उसके दो कॉस्ट सेंटर हैं या तीन है सेपरेट, तीन है चार है दस है जितने हैं, सबका सेपरेट सेपरेट टोटल करके दिखा देगा। तो ये ट्रायल बैलेंस निकालने के लिए या मल्टीपल रिपोर्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम कहते हैं तीन लेवल पे, पांच लेवल पे दे दो, जितने लेवल पे ये चाहिए उतने लेवल पे मुझे दे दो। सही, हम इस पे भी लेवल लगा सकते हैं डिफरेंट किस्म के। हाँ बिल्कुल, मतलब पहले लगाओ जी मेन अकाउंट, फिर बिजनेस यूनिट, फिर डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, और अच्छा तीन सर, चार जो कितना है सर मेन आइटम अकाउंट जो का लगा दो, डिटेल डिफरेंट। लगा दो, तो वो हर चीज़ को उस हिसाब से जितने मेन अकाउंट हैं उनको फिर आगे सेग्रीगेट करेगा, बिजनेस यूनिट जितने हैं उसका, फिर आगे उसको फर्दर देखेगा, डिपार्टमेंट अगर चार हैं तो चारों डिपार्टमेंट प्लस बिजनेस यूनिट प्लस मेन अकाउंट, फिर देखिएगा कॉस्ट सेंटर प्लस डिपार्टमेंट प्लस बीयू प्लस एमए, हर एक के फर्दर लेवल्स पे जाके उसको टोटल दिखाएगा आपको। सर मुझे बस एक चीज़ में थोड़ा वो कन्फ्यूजन है इसमें, कॉल सेंटर और डिपार्टमेंट में फ़र्क क्या होता है? कॉस्ट सेंटर, आप देखिए डिपार्टमेंट आपका हो गया, हम कहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, कुछ लोग इस तरह यूज़ करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं मैं इसको डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ, उसके अंदर कॉस्ट सेंटर में यूज़ करता हूँ, मैं ये कह रहे हैं हम आपको दोनों चीज़ें देखते हैं इधर आके। हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है ना, जी सर, ये फाइनेंशियल डायमेंशन है। एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर कॉल सेंटर क्या होगा, मुझे ये थोड़ा वो कंफ्यूजन चल अभी बात कर लेते हैं, कंफ्यूजन। ए बी सी डी डिपार्टमेंट बात कर ली हमने, डायमेंशन वैल्यू देख रही इसकी। अब वो कहते हैं जी इसके अंदर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है,
ऑपरेशन फाइनेंस आईटी की बात होगी मेरी, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आ गई। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कॉस्ट सेंटर क्या होंगे फिर, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर मेरा कॉस्ट सेंटर क्या होगा। बिल्कुल सही है। हाँ जी, अब मैं कहता हूँ कॉस्ट सेंटर दिखा मुझे, फिर वो कॉस्ट सेंटर के अंदर जाता है, कहता है जी कॉस्ट सेंटर के अंदर डायमेंशन वैल्यू देखें, तो वो कहता है जी ट्रेड शोज हैं, मार्केटिंग कंपेन है, ऑपरेशन था उधर, ये सर्विस ऑपरेशन है, फिर प्रोडक्शन आ गया, क्वालिटी कंट्रोल आ गया, लॉजिस्टिक आ गया, आउटलेट सुपर मॉल्स हैं, ऑनलाइन किसी की चल रही है, मॉल हाँ चल रहा है तो ऑनलाइन आ गई उसकी कॉस्ट सेंटर, रिटेल आ गई, इस तरह की वेस्ट सेंट्रल, इस तरह की कुछ चीज़ें हम उसको डिफाइन कर सकते हैं फर्दर। मतलब गॉट इट। डिपार्टमेंट ये हमारा सब आ गया फाइनेंस जी, सेल्स का डिपार्टमेंट तो आ गया, लेकिन मेरी सेल्स कौन सी है जी, ऑनलाइन सेल्स सेपरेट होगी, ठीक है, रिटेल बिल्कुल सेल लैदा से होगी, रिटेल सेल लैदा से होगी, होलसेल लैदा से होगी, तो मैं उसका डिपार्टमेंट अगर मैंने कॉस्ट सेंटर बना ली है तो वो कॉस्ट सेंटर उसको अटैच कर सकते हैं हम इसको। जो आपका डिपार्टमेंट है उसका सब यूनिट आप कह लें कि आपका जो है कॉस्ट सेंटर है, लाइक आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपके जो कॉस्ट सेंटर है वो आपके एपी हो गया, एआर हो गया। हाँ, उसके डिपार्टमेंट फर्दर कॉस्ट सेंटर लगा सकते हैं, एआर का अगर यूनिट डिफरेंट लगा पे, कमरा ही लदा से है, हाँ ऑफिस ही सेपरेट से, आपको पता है ये एपी डिपार्टमेंट का ना फर्दर से जी हाँ चीज़ें गॉट इट नहीं। जी। ठीक है देखिए डिपार्टमेंट में फाइनेंस के अंदर फर्दर ये हम कॉस्ट सेंटर डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक तो है, ये क्योंकि इस मतलब तरह करके कॉल सेंटर चीज़ें आ गई हैं, बीआर मटेरियल, मतलब मुख्तलिफ इस तरह फर्दर लेके चल सकते हैं चीज़ को। अब अच्छा जीएल अकाउंट मतलब एक ही है, जीएल अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस, बिल्कुल अब सही है। उसको हम लेते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी, ये फाइनेंस की इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंस के अंदर ये एआर की इलेक्ट्रिसिटी, गॉट इट तो हमें सेग्रीगेटेड रिपोर्टिंग मिल सकती है उसकी। गॉट इट सर जी। कि हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स तो आप इसके ऊपर सुपरसीड इसको करेंगे ना, डिपार्टमेंट को सुपरसीड करेंगे तो अगर प्रोजेक्ट्स मतलब। की बात है तो हम उसका एक प्रोजेक्ट्स का अपना एक बन जाता है कॉस्ट सेंटर, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डायमेंशन, प्रोजेक्ट की डायमेंशन सिस्टम में, अगर आपने सिस्टम ने अगर प्रोजेक्ट बनाए हुए ना, ये प्रोजेक्ट्स की डायमेंशन मेरी बनी हुई है, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी डायमेंशन बता दे मुझे, उसको सबको उठा के ले आ, वो एज अ डायमेंशन उठा के ले आएगा। सही सही सही। तो अच्छा नहीं, डायमेंशन जो है क्योंकि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर डिज़ाइन करना है, हम कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के कितने एक्सपेंसेस, या टीबी में ये प्रोजेक्ट सेग्रीगेट करके दिखा दे, तो वो प्रोजेक्ट के नीचे जो है आपके डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर वो भी उसके प्रोजेक्ट के अंदर ले जाएगा। देखिए अगर हमने अकाउंटिंग एंट्री डाली, अब अकाउंटिंग एंट्री हमने देखना है कि हम उसको कैसे पहले डिजाइन परसीव कर सकते हैं। क्या करते हैं, पहले सोचते क्या फ्यूचर, कि पहले प्रोजेक्ट आएगा पहले कॉल सेंटर आएगा, सही नहीं, पहले प्रोजेक्ट ही आएगा। वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह लेके चलेंगे वैसे डिफाइन हो जाएगा, वो कहाँ पे डिफाइन होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। हाँ क्योंकि हमने जो है हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, और हाँ हम हाँ सुपरसीड करते हैं, हम उसके एक्सपेंसेस जो है ना प्रोजेक्ट के साथ लिंक करते हैं और एकल में। ठीक है, हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर अकाउंट स्ट्रक्चर, ये अकाउंट स्ट्रक्चर है, हम इसमें बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट स्ट्रक्चर बना दिया मैन्युफैक्चरिंग चाइना का, इसके अंदर कहते हैं पहले डिपार्टमेंट आए, पहले बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, ये चीज़ें आए, उसके अंदर भी मैं कहता हूँ कि ये अगर डिपार्टमेंट आ गया तो इसके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ए, तो प्रोजेक्ट के अंदर डिपार्टमेंट ही दो हैं, और प्रोजेक्ट बी के अंदर 15 डिपार्टमेंट हैं, सही तो मैं उस हिसाब से भी डिफाइन करता हूँ, अगर प्रोजेक्ट ए आ गया तो सिर्फ दो डिपार्टमेंट शो करवाए, बाकी ना शो करवाए, गॉट इट। तो इस तरह हम उसको फर्दर भी मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएल की बात करता हूँ अगर, तो इसमें देखें, इसमें सिर्फ कॉस्ट सेंटर, पहले प्रोफेशनल जूनियर डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर, फिर उसने आइटम भी दे दिया, मैं इसको एडिट करता हूँ कि ठीक है यार मुझे एडिट करके ना यहाँ पे ना जाके ऐड अ सेगमेंट कर दो, जिसको कहता हूँ मैं कि आप जैसे भी बात की कि प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट लगा दें, ठीक है ऐड करा दिया, अब प्रोजेक्ट को मैं कहता हूँ ये इसे आना चाहिए फर्स्ट पे, मैं कहता हूँ मूव टू
लेफ्ट, ठीक है, मूव टू लेफ्ट, मूव ठीक है, गॉट इट, ठीक लेफ्ट, ये है, मैंने एक लगा दिया कि पहले प्रोजेक्ट आएगा बिल्कुल सही है। या फिर एक और मूव टू लेफ्ट मारते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट लगाना है मैं इसको मेन मूव अकाउंट टू, से, मेन अकाउंट के बाद प्रोजेक्ट, सबसे पहले मेन अकाउंट, फिर प्रोजेक्ट लगेगा तो फिर बाकी चलेंगे। अब बाकी प्रोजेक्ट के अंदर भी मैं कहता हूँ ये जो अभी स्टारिक नजर आ रहा गया। है ना, मैं कहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट लाजमी होना चाहिए। फिर सही, मैं एक बात करता हूँ कि अगर ब्लैंक भी अलाउ कर दे तो नो इशू, ठीक है सर, आई समझ। ये पर्टिकुलर कोड जहाँ 40,000 से 99 तक चले और मतलब ब्लैंक भी प्रोजेक्ट हो तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक बिल्कुल सही, ठीक है, है। लेकिन जब ब्लैंक होगा तो फिर ये 022 के साथ ब्लैंक अलाउ कर सकता है। इसके अलावा अगर 023 आएगा ना अगर डिपार्टमेंट, तो फिर ब्लैंक अलाउड नहीं है प्रोजेक्ट। ब्लैंक अलाउड नहीं है, ठीक है सही है, तो ये गॉड, चीज़ें इसकी बड़ी मतलब आप डिटेल में एक एक चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ना स्टार पाए। लगे वो ब्लैंक अलाउड नहीं है। हाँ, ये स्टार के साथ लग गया ना, ब्लैंक अलाउड है। अच्छा, स्टार के साथ ब्लैंक अलाउड है, हाँ, ये ब्लैंक अलाउड का बटन दबा दिया। अगर मैं ब्लैंक अलाउ खत्म कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे जाके ब्लैंक अलाउ का बटन खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। सर। अच्छा, ये 4,000 से लेके 999 तक, ये जो है वो उसके चार्ट ऑफ अकाउंट के कोड्स हैं। चार्टर अकाउंट की कोड है, सही है। ठीक है, सही है जी, सही है, ठीक है, यानी कि ये आपके एक्सपेंसेस में ही हो सकते हैं ये वाला जो है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हम इसको एक्सपेंसेस में चाह रहे हैं कि एक्सपेंसेस पे सिर्फ जो है ना मेरी वैलिडेशन लगा, ये वाली बैलेंस गॉट इट सर जी, शीट के आइटम पे ना लगा। गॉट इट सर जी, मैं इसको डिफाइन करता, बैलेंस शीट पे लगानी है तब भी लगवा सकते हैं, सही है, ये हमारी मर्जी है कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन करवाते हैं, कैसे लेके चलते हैं। गॉट इट सर जी, सही हो गया। ये आ गया चीज़ें कुछ ठीक है अभी तक। हाँ, ठीक है, सही है सर जी। अच्छा, लेकिन सर जी, मुझे मेरे ख्याल में इसके नोट्स देंगे तो मैं फिर इसको ज़्यादा बेहतर रिवाइज करूँगा एक दफ़ा। वीडियो आपके पास है भाई, नोट्स बनाते रहना अच्छा सही है, नहीं कि इसकी जो नहीं। है नहीं वो तो ठीक है आपकी, लेकिन वो मेरे प्री पास डिफाइंड नहीं होते इसके, जिसमें सारे इसके वो आ जाते हैं। प्री डिफाइंड जो आपको देंगे ना MB 300 के टेस्ट के मतलब वो एग्ज़ाम के लिए, जी, वो मैं आपको एक दे दूंगा, वो देना तो है आपने, तो उसमें वो प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, एक पढ़ सकते हो आप, स्टडी कर सकते हो। सही सही सही। अब जिस तरह यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में हम जा रहे हैं, ऊपर हाँ, वर्क प्लेस है, जनरल एंट्रीज है, ठीक है, अब ये सारी चीजें देखिए अगर आप मैंने कोड, सबसे पहले उससे शुरू किया जो एक अकाउंटेंट, एक फाइनेंशियल बिल्कुल फाइनेंस का बंदे की अंडरस्टैंडिंग होती है, कि उसका बिल्कुल सबसे ऐसी है पहली चीज़ ही चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट, बिल्कुल ऐसी है। नहीं, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इन डिटेल वो करना अगर चाह रहा मैं हूँ। करता ना ऊपर से नीचे चलता, वो भी जा हाँ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ वो कई एलिमेंट मैं मेरी अप्रोच वो नहीं होती। मैंने तकरीबन 8 साल हो गया, 9 साल ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, तो मैंने जो अपनी अप्रोच डिफाइन की है ना, एक प्रोफेशनल की अप्रोच डिफाइन की है। एक प्रोफेशनल जब जेन में लाता है ना कंपनी का सेटअप करते हुए, हाँ, वो सबसे पहले सबसे चार्ट ऑफ पहले अकाउंट, जाता ही चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाओ क्या है। किसी कंपनी में आप जॉब करने भी जाते हो ना, सबसे कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाओ जी कितने है। ऐसे ही है जी, वो ऐसे चार्ट ही ऑफ है, अकाउंट देख के आप कहते हैं आप ट्रायल बैलेंस दिखा दो, ट्रायल बैलेंस पढ़ा बिल्कुल होगा ओपनिंग। मैंने नई कंपनी सेटअप करनी है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दे दो, हाँ, नहीं सही है है, तो बनाओ बिल्कुल पहले। सबसे पहले वो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस आप पहले जुगाड़ लगा के बना लेते हो, सस्पेंस बिल्कुल, लगाओ भी करो। वो जो आपको इनिशियल स्टेप मिल जाता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। गॉट इट सर जी, सही है, आपको सबसे पहले कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में पता करना, उसकी हालत पता करना, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट जेन पता करने के लिए सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट ही समझ आता है, और ट्रायल गॉट इट, बैलेंस सही है सर जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सबसे। अगर बैंकर मांगेगा तो बैलेंस शीट मांगेगा, लेकिन ऐसे अकाउंटेंट मांगेगा तो वो ट्रायल बैलेंस मांगेगा। ट्रायल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, बैलेंस दो, मैं जरा वेख लवा कि की हिसाब किताब है तो थोड़ा।
बिल्कुल ठीक है, सही सही है। फिर उसकी देखेगा कि क्या उसकी मैपिंग क्या हुई है बैलेंस शीट के साथ। अच्छा ये बैलेंस शीट में इस तरह जा रहा है या चलो ठीक है अब चलते हैं। ये कोई डॉट भी अगर देखें सिंपल अकाउंटेंट होता है वो और चीज़ है, एक जो टेक्निकल अकाउंटेंट है ना जिसे आईटी का भी नॉलेज है, आप ईआरपी के नॉलेज के साथ अकाउंटेंट कहलाते हो ना, आप अपने आप को कहते हो बिल्कुल मैं बिल्कुल सीएफओ आया हूँ लेकिन मुझे आईटी का नॉलेज भी है, मुझे ईआरपी का नॉलेज है, तो फिर आपको ये सबसे पहले चीज पकड़नी है। डॉटेड सर जी, सही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब पे गया, सब मेरी सेकेंड जॉब थी ये, मतलब आर्टिकल कंप्लीट हुई तो मैं इंटरव्यू देने गया। पहले दिन गया, संडे था, मंडे वाले दिन ऑफिस में चला गया, सीईओ बैठा हुआ था, कहता जी आ जाओ। अच्छा उसने मुझे कुछ सवाल नहीं किया, अकाउंट्स बना लेते हो, मैं कहा जी बना लेते हैं। उसने मुझे सॉफ्टवेयर दे दिया अपना कंप्यूटर, ये बना दो। अच्छा जी, मैंने पकड़ा ट्रायल बैलेंस निकाला, मैं कहा जी सर बना दो मैं दूंगा कोई मसला नहीं है, आपका ये ट्रायल बैलेंस ही आउट है। कहता सॉफ्टवेयर का ट्रायल बैलेंस आउट है? अच्छा मैं क्या आउट है, और मुझे मैंने कुछ घंटा दो लगाए थे उसके ऊपर, मैं क्या मैंने पकड़ भी लिया, वजह क्या है? उसने अकाउंटेंट को पढ़ाने को कहता है ये आउट था, आपने कभी बताया? कहता सर जब से मैं आया हूँ तब से मैंने आउट ही देखा है, तो आपको सही। पता है किस वजह से हुआ? कहता जी मुझे तो नहीं पता, वो बात थी कि वो आईटी वाला अकाउंटेंट नहीं था, हाँ हाँ सही 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 मैं ठीक शुरू है, से आईटी वाला अकाउंटेंट बन चुका था। सही सही सही। मैंने उसे पकड़ा, मैंने क्या मैंने निकाला, मैंने कहा सर जी आपका जब सॉफ्टवेयर बना है ना, ओपनिंग बैलेंसेस की एडजस्टमेंट हमेशा ओपनिंग जब डालते हैं ना उसका डबल इफेक्ट नहीं होता, तो तब भी इन्होंने बगैर बैलेंस के आपका ट्रायल बैलेंस ओपनिंग डाल दिया हुआ, ये देखें ये जेबीडब्ल्यू है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। नहीं सर, उसने मुझे घर नहीं आने दिया, कहता ठीक है आज से ही आपकी ज्वाइनिंग है। तो ये चीज सही मैं कह रहा हूँ, एक आईटी का एज जो है ना वहां पे आपको नजर आता है कि यार आपको आना है। आपकी जो है आपकी, देखें सऊदीया में कहते हैं कि अगर आपके पास इंग्लिश के साथ अरेबिक है ना तो आपका एक बहुत बड़ा प्लस है, तो सही। वही चीज़ है वहाँ पे भी, आपकी जो है साथ में आप पीआरपी का नॉलेज है वो आपका एक बहुत बड़ा प्लस है। दूसरे बहुत सर बहुत जी की ओपनिंग बैलेंस की जेबी थी वही आउट थी। आउट थी। हाँ सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कैसे कर लिया आउट जेबी को? इधर भी ओपनिंग बैलेंस की जेबी डालेंगे तो वो आउट ही होगी, आउट क्यों होगी? वो डलती मतलब वो अलाउ कर देता है ना ओपनिंग बैलेंस के अंदर आपकी आउट डाल देता है, क्योंकि होता क्या आप किसी छोटे मोटे ईआरपी पे जाते हो ना वो आपको आप जेबी कभी भी ओपनिंग डालते हो तो वो एकदम नहीं डलती, वो मतलब आप डिफाइन कर रहे हो पहले डाल लिया कुछ प्रोसीजर अभी ऐसा डाल दिया कुछ बाद में डालेंगे फिर बाद में डालेंगे करते 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 आपकी ओपनिंग बैलेंसेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। या फिर आप उस टाइम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके अभी जो ईआरपी ये वाला है इसमें आप सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देते हो बैलेंस, सही मैच उसको करते करते सस्पेंस को जीरो करते हो तब जाकर ओपनिंग आपका टैली होता है, करता, ठीक है। तो ये नहीं तो सस्पेंस ही आपका चलता रहता है। वरना सस्पेंस में बैलेंस हो जाता है। और जो छोटे मोटे ईआरपी हैं वो आपको आउट ऑफ बैलेंस ट्रायल बैलेंस की एंट्री डालने की इजाजत दे देते हैं, ये नहीं देता, गॉट इट सर जी, सही है। तो ये वजह थी उसका आउट होने की ना। पहले पहले जो आते थे ना सॉफ्टवेयर बनते थे पुरानी लैंग्वेजेस में वो ऐसे ही था, प्रो में हो गया इधर उधर का उसमें अलाउ करते थे, वो सही 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 इवन पीच ट्री वगैरह हो गए उसमें भी अलाउ करता है कि आपने ओपनिंग जो डालना है उसमें आउट ऑफ बैलेंस रखे हैं तो कोई इशू तो नहीं आपको, कि सही ठीक वो है सर। प्रोसीजर अलग ग्रेजुअली आप एंटर कर रहे होते हो ओपनिंग बैलेंसेस उसमें टाइम लगता है फिर वो आप सेव रख लेते हो बाद में फिर डाल के पूरा कर लेते। सही ठीक है सर जी, सही है। हम इसको इधर अलाउ नहीं करता तो हम सस्पेंस के थ्रू उसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, यार आज इतना डाल लो कल इसको रिकनसाइल करके पूरा डाल देंगे, तो वो करते करते ग्रेजुअली हम कंप्लीट कर लेते हैं। गॉट इट सर जी, सही है, ठीक हो गया सर जी। सही हो गया, कहीं भी जा रहे इंप्लीमेंट करने जा रहे हो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ही आप देख के उसी को कंट्रोल करवाते हैं इसके अंदर, ठीक। सही है। अकाउंट के अंदर हमारी ये होगी बात, अकाउंट आ गई, डायमेंशन हो गई, स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, फंड्स ऐसा इतना कोई नहीं, करेंसीज फॉरन करेंसी रिवेल्यूएशन मल्टी करेंसी और ये सारे इसके अंदर हम इसके अंदर डालते हैं, सेट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। मल्टी करेंसी ऐड कर ली, एक्सचेंज रेट डिफाइन कर लिए, ये अपलोडेबल है एयू यूरो टू एयूडी सारे करेंसी के ना डेट वाइज हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं फर्दर ये यहाँ से यहाँ तक, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रेट डल गया ना
जब तक कि मैं नया नहीं डालूंगा वो ही चलता रहे, वो वैलिड होगा मेरा पिछला वाला ही। हाँ नहीं तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से जो है इसको हम ले सकते हैं ऑटोमेटिकली अगर नेट। ऑटोमेटिक के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ना दो तीन चीजें दी हुई हैं। ये होता है हमारे पास एक्सचेंज रेट प्रोवाइडर्स, मैं इसको कहता हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप, ये लगा दूं तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप के जो रेट है ना वो ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम सब मेरा एक क्लाइंट है वो कहता है मैं वो नहीं यूज करता भाई, मुझे चाहिए ऑस्ट्रेलियन बैंक का। तो फिर मुझे उसकी ना वो ऑस्ट्रेलियन बैंक की वो लेने पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो इसके साथ ठीक अटैच करके तब भी ये ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलियन बैंक से उठाएगा, है या फिर ओवांडा ले लो या जो भी आपने सर्विस प्रोवाइडर है ना इसका उसका लिंक लेके आप इसके साथ लगा लो तो ये सही है। ऑटोमेटिक शुरू कर देता है। ठीक है, ये आप दोबारा देख लो। फिर इम्पोर्ट करेंसी एक्सचेंज रेट है, अब इसके अंदर आप कहते हो जी मैं लगा देता हूँ जी एवरेज रेट पे उठाए एक्सचेंज प्रोवाइडर लगा देते हो यूरोपियन बैंक का, सही तो ये यूरोपियन बैंक का मेरा एक्सचेंज रेट है एज ऑफ टुडे बात कर देते हो। फिर मैं कहता हूँ जी रन इन बैकग्राउंड बात करो, तो मैं इसको कहता हूँ रन इन बैकग्राउंड रहे, ठीक है बैड जॉब चला करे, और साथ में मैं कहता हूँ रीअकरेंस अप्लाई करा दो। मैं कहता हूँ हर एक दिन बाद ना एवरी डे हर एक दिन बाद ये चल जाया करे, तो सही है ऑटोमेटिकली वो साइट से जो भी आया करेगा उस टाइम के ऊपर उठा के डाल दिया करेगा। सही है ठीक है, मैं कहता हूँ जी एंड हो नहीं जी एंड आफ्टर वन डे कर दे, एंड कभी ना नो एंड डेट, तो कभी एंट्री वो चला करेगा, एक दफा आपने उसको कह दिया तो वो उसी से उठा के हर दफा कर दिया करेगा। कर दिया करेगा ठीक है सर सही हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक से क्या ये एपीआई परचेज की हुई है वो लिंक करनी होती है आपने साथ। बिल्कुल सही है, ठीक ठीक है, ये होगी बात। करेंसी जब बनानी है तो ये करेंसी यहाँ पे बनती है, एक्सचेंज रेट मैंने आपको पहले दिखा दिया, ये इस तरह करेंसीज बन रही है। अच्छा, एक्सचेंज रेट के अंदर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, एक्सचेंज रेट टाइप्स है ना वो एवरेज हो गया स्पॉट हो गया जो भी आपने क्लोजिंग जो भी आपने बनाना है वो यहाँ पे डिफाइंड हो जाता है। एक एक्सचेंज रेट, अच्छा एक्सचेंज रेट के अंदर ना ये कन्वर्टर फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर, सही इसको आप डिफाइन करते हो कि यार अगर कुछ करेंसी है ना मतलब टका है या कोई इस तरह की करेंसी जिसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मतलब एक 1-2,000 की बात हो जाती है, सही 1 डॉलर 1,000 के बराबर उसके हो जाता है ब्राजीलियन की बात में, तो हम कहते हैं जी कन्वर्जन ब्राजीलियन के साथ 100 की लगे। यानी कि 1,000 है तो वो 100 में शो करे हाँ, तो वो इस तरीके से उसको फिर हम इसको डिफाइन करवाते हैं। 1-to-1 भी चल जाती है, 1-to-US डॉलर की बात कर रहे हैं, MYR to USD की बात की हमने तो वो कहते हैं 1-to-1 चला दे, 1 USD इज इक्वल टू मतलब 0.278 USD इज इक्वल टू 1 MYR, ठीक है ठीक तो इसमें हमने कहा जी नहीं 292 BRL इज इक्वल टू 100 USD, तो इस तरीके से हमें इसका कन्वर्जन जो है ना फैक्टर लगा के दे। हाँ 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 सही 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 यानी कि ये जो है उसका 100 USD ठीक है इजिकल टू 292.7 ब्राजीलियन BRL जो है, ठीक हो गया, ठीक है ये इसने एक बात कर दी। अब इसका ये लगा मैंने दे दिया लेकिन वो निकाल लेता है 1-to-1 खुद ही निकाल लेता है सिस्टम। सही ठीक है, सिस्टम जब मैं लगा दूंगा ना वो 1-to-1 खुद ही निकाल लेगा, तो ये एक इसकी ना बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है कि आप उसको हायर लेवल पे भी करा सकते हो, 1-to-1 भी करा सकते हो, 1-to-100 भी करा सकते हो, ये चीज तो ठीक है सर सही है करेंसीज हो गया हमारा। एक लेजर सेटअप्स हैं, मैं लेजर सेटअप कराता हूँ, एक हम कोई 15 मिनट की ब्रेक ले लें, ठीक बिल्कुल सर जी लेंगे बिल्कुल है, ब्रेक के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी अभी वीडियो टाइम रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ।
ठीक है सर, ये 2 11 हुए हैं, तो 2 26 पे हम फिर